वेलकम बैक टू माय वर्चुअल वर्ल्ड टाइम एस जी एल एंड आप देख रहे हैं जेड एफ एक्स एक्सप्रेस 3D का दीवाना। तो पहले वीडियो में हमने जहाँ पे किया था खत्म वहीं से करेंगे स्टार्ट। सो मैं इस ज्योमेट्री को करूंगा सिलेक्ट एंड पे जाऊंगा एच मोड पर। एंड एच मोड पर जाने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा होल्ड कंट्रोल शिफ्ट एक्स टू मल्टीकट एंड यहाँ पे करूंगा इस तरह से मल्टीकट लाइक दिस। एंड यहाँ पे करूंगा इस साइड से मल्टीकट लाइक दिस। एंड यहाँ पे होल्ड कंट्रोल मिडिल माउस बटन। सो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीकट। एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन कंफर्म होने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड पर। एंड ऑब्जेक्ट मोड पर जाने के बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे 3 लाइक दिस। एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे 1। एंड 1 प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे लाइक दिस। अब हम इस ज्योमेट्रीज को करेंगे सिलेक्ट। एंड यहाँ पे करेंगे हाइट। सो एच टू हाइट। एंड हाइट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा चैनल बॉक्स पर। एंड चैनल बॉक्स पर जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा बॉडी लेयर पे लाइक दिस। एंड इसको मैं ट्रांसपेरेंट से हटा दूंगा लाइक दिस। इस फेयर को करेंगे हम सिलेक्ट लाइक दिस। एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा फ्रंट व्यू लाइक दिस। एंड यहाँ पे जाऊंगा मैं एज मोड पर। एंड एज मोड पर जाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे मल्टीकट। सो होल्ड कंट्रोल शिफ्ट एक्स टू मल्टीकट। एंड यहाँ पे होल्ड कंट्रोल मिडिल माउस बटन। सो यहाँ पे हो जाएगा मल्टी कट। एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन। एंड इस एज को करेंगे सिलेक्ट। एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल पी टू बेवल। एंड बेवल करने के बाद मैं यहाँ पे सिमेट्री राइज लूंगा अराउंड टू 1 लाइक दिस। एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे मैं फ्रैक्शन पे जाऊंगा एंड इसको घटाऊंगा लाइक दिस। एंड दिस इज इनफ। सो यहाँ पे प्रेस करेंगे क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन कंफर्म होने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे फेस। एंड इन फेसेस को करेंगे सिलेक्ट। एंड इन फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल ई टू एक्सट्रूड। एंड यहाँ पे की फेस टुगेदर को करेंगे ऑन लाइक दिस। एंड यहाँ पे थिकनेस लेंगे अराउंड -0.5 लाइक दिस। एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन कंफर्म होने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे पिस्टल्स व्यू पर। एंड पिस्टल्स व्यू पर जाने के बाद एज मोड पर जाऊंगा। एज मोड पर जाने के बाद हम इन एजेस को करेंगे सिलेक्ट। एंड इन एजेस को करेंगे सिलेक्ट। एंड इन एजेस को करेंगे सिलेक्ट। एंड इन एजेस को करेंगे सिलेक्ट लाइक दिस। एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल बी टू बेवल। एंड बेवल हम यहाँ पे चार्म फ्रेम को कर देंगे ऑफ लाइक दिस। एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे 3। हाउ लुक्स लाइक ग्रेट। सो यहाँ पे प्रेस करेंगे 1। एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन कंफर्म होने के बाद हम यहाँ पे इस तरह करेंगे। एंड यहाँ पे मैं जाऊंगा फेस मोड पर। एंड इन फेसेस को करूंगा सिलेक्ट। एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल ई टू एक्सट्रूड। एंड की फेस टू टुगेदर को करूंगा ऑन। एंड यहाँ पे ऑफ साइड लूंगा 0.9 लाइक दिस। एंड कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा आपको। एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन। एंड यहाँ पे कंफर्म ऑपरेशन करने के बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे होल्ड शिफ्ट राइट क्लिक। एंड यहाँ पे करेंगे सिलेंडरिकल कंपोनेंट लाइक दिस। एंड कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा आपको। एंड अब हम यहाँ पे रेडियस ऑफ साइड को हम घटाएंगे लाइक दिस। एंड हम यहाँ पे करेंगे ट्विस्ट एंड लाइक दिस। ट्विस्ट एंड ट्विस्ट करने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से दिखेंगे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेरा सर्कल है वो अंदर की तरफ घुस गया है। सो मैं इसको ले आऊंगा बाहर लाइक दिस। एंड दैट इज इनफ फॉर मी। एंड मुझे लगता है इसको थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा लाइक दिस। एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन कंफर्म होने के बाद फिर से करेंगे एक्सट्रूड कंट्रोल ई टू एक्सट्रूड। एंड यहाँ पे की फेस टुगेदर को करेंगे ऑन। एंड यहाँ पे की फेस टुगेदर को ऑन करने के बाद हम यहाँ पे ऑफ साइड लेंगे अराउंड 0.2 लाइक दिस। एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन कंफर्म होने के बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे शिफ्ट राइट क्लिक। एंड यहाँ पे करेंगे डुप्लीकेट फेसेस लाइक दिस। एंड यहाँ पे की फेस टुगेदर को ऑन करना बिल्कुल ना भूले। एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन कंफर्म होने के बाद फिर से करेंगे इस फेयर को सिलेक्ट। एंड मैं यहाँ पे जाऊंगा ऑब्जेक्ट मोड पर। एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल 1 टू आइसोलेट सिलेक्शन। एंड मैं यहाँ पे फिर से जाऊंगा फेस मोड पर। एंड इन फेसेस को करूंगा सिलेक्ट। एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल ई टू एक्स टू। एंड यहाँ पे करूंगा की फेस टुगेदर को ऑन। यहाँ पे थिकनेस लेंगे -2.7 लाइक दिस। एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हम डिविजन दे देंगे अराउंड 3 लाइक दिस। एंड अब यहाँ पे प्रेस करेंगे क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन कंफर्म होने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे एज मोड पर। एंड इन एजेस को करेंगे सिलेक्ट लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस एंड लाइक दिस।
एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल पी टू बेबल, एंड यहाँ पे चार्म फ्रेम को कर देंगे हम ऑफ लाइक दिस, एंड यहाँ पे फ्रैक्शन हम लेंगे अराउंड 0.2 लाइक दिस, एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन कंफर्म होने के बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड पे लाइक दिस, एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल 1 टू अन आइसोलेट सिलेक्शन, एंड अब हम यहाँ पे इन फेसेस को करेंगे सिलेक्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पे राइट क्लिक, एंड राइट क्लिक करने के बाद हम एग्जिस्टिंग मटेरियल लैम्बर 2 दे देंगे लाइक दिस, एंड मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल 1 टू ए हो जाएगा आइसोलेट सिलेक्शन, एंड यहाँ पे जाऊंगा मैं फेस मोड पर, एंड इन फेस को करूंगा सिलेक्ट, होल्ड शिफ्ट, राइट क्लिक, फेस नॉर्मल, रिवर्स नॉर्मल, एंड रिवर्स नॉर्मल करने के बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल ई टू एक्सट्रूड, एंड की फेस टुगेदर को करेंगे ऑन, यहाँ पे थिकनेस लेंगे अराउंड हम 0.3 लाइक दिस, एंड दैट इज एनफ फॉर मी, एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन, एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल 1 एंड ये आ जाएगा वापस, एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे 3, हाउ लुक्स लाइक, इट इज लुक्स लाइक नॉट अ ग्रेट, सो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे 1। सो अब हम यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड पर, एंड ऑब्जेक्ट मोड पर जाने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल 1, फिर से जाऊंगा एज मोड पर, एंड मैं इन एजेस को करूंगा सिलेक्ट लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, एंड इस साइड में भी करना है सिलेक्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल पी टू बेबल, एंड बेबल करने के बाद हम यहाँ पे चार्म फ्रेम को कर देंगे ऑफ, एंड फ्रैक्शन बिल्कुल ठीक है, सो यहाँ पे प्रेस करेंगे क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन, एंड इसके बीच में एक डालेंगे एज लूप, सो होल्ड कंट्रोल शिफ्ट एक्स, एंड यहाँ पे करेंगे मल्टी कट लाइक दिस, एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन, एंड अब हम यहाँ पे प्रेस करेंगे 3, सो ये काफी मुझे अच्छा लग रहा है। सो अब मैं यहाँ पे जाऊंगा ऑब्जेक्ट मोड पर लाइक दिस, एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा 1, एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल 1 टू अन आइसोलेट सिलेक्शन, एंड यहाँ पे मैं इनको कर लूंगा, इन दोनों को कर लूंगा सिलेक्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा 3, एंड 3 प्रेस करने के बाद आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा काफी गैप है यहाँ पे, सो ये दरअसल इस क्यूब का प्रॉब्लम है। सो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा 1, 1 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा कंट्रोल 1 टू आइसोलेट सिलेक्ट, एंड यहाँ पे जाऊंगा मैं एज मोड पर, एंड यहाँ पे डालूंगा एक सपोर्टेड एज लूप, कंट्रोल शिफ्ट एक्स टू मल्टी कट, एंड यहाँ पे कर लेंगे हम मल्टी कट लाइक दिस, एंड यहाँ पे भी हम डालेंगे एक मल्टी कट लाइक दिस, एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे क्यू टू कन्फर्म ऑपरेशन, एंड मैं यहाँ पे जाऊंगा ऑब्जेक्ट मोड पर, एंड ऑब्जेक्ट मोड पर जाने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल 1 तो अन आइसोलेट सिलेक्शन है। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा 3, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गैप हो गया है पूरा सेटिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा 1, एंड ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा फाइल, एंड यहाँ पे करूंगा सेव एज, एंड मैं इस फाइल को कर लूंगा सेव लाइक दिस, एंड इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए सेट एफएक्स एक्सप्रेस 3D का दीवाना।